स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये चैप्टर नंबर 2 है, 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है ये। और अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के देखने हैं क्वेश्चंस, तो जाकर आप मेरे चैनल पर वो चैप्टर नंबर 1 के भी अपलोड हो चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आपको आई के बटन पर भी नज़र आ रहा होगा। अब चैप्टर नंबर 2 है, इसके मैं आपको वो अहम क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके पेपर में आएंगे। मतलब आपको पूरे चैप्टर को छानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चंस वो इम्पोर्टेंट है जिसको हम पेपर के लिए याद तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग इधर उधर के क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पेपर के होते हैं वो आप लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आप, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। साथ में मैंने जवाबात भी लिख दिए हैं जो कि आप लोगों को पता चल जाए, कि इन जवाबात से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। आप इसको जाकर अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं, सेम इक्वल टू आपकी बुक के मुताबिक है ये, अकॉर्डिंग टू। अच्छा, तो अब जो है ना हम चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। एक अच्छे हाइपोथेसिस की 2 खसूसियात बयान कीजिए। मैं आपको पहले सवाल का जवाब पढ़ के सुना देता हूँ। इसका जवाब है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की 2 खूबियाँ मंदरज ज़ैल हैं, एक अमूमी बयान होना चाहिए, ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। बस इतना सा, आपको ज़्यादा इसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, हाइपोथेसिस कैसे तश्कील दिया जाता है। इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप अपनी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो सवाल नंबर 3 है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, डेटा को किस तरह तरतीब दिया जाता है। सवाल नंबर 5 है, नतज की रिपोर्टिंग से क्या मुराद है। सवाल नंबर 6 है, मुशाह की तारीफ़ कीजिए, ये कितने इकसाम का होता है। सवाल नंबर 7 है, इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है, वजाहत कीजिए। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 8 है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है। सवाल नंबर 9 है, इक्यूबिशन पीरियड से क्या मुराद है। सवाल नंबर 10 है, बायोलॉजिकल मेथड में मकदारी मुशाहदात बेहतर होते हैं, कैसे। सवाल नंबर 11 है, AFA किंग के 2 मुशाहदात लिखिए। सवाल नंबर 12 है, डिटेक्शन में इस्तेमाल होने वाले 2 अल्फाज लिखिए। सवाल नंबर 13 है, क्यूटिक्स और एड्स मच्छर में फ़र्क कीजिए। सवाल नंबर 14 है, साइंटिफिक मेथड क्या है। सवाल नंबर 15 है, तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है। सवाल नंबर 16 है, डिडक्शंस कैसे बनाई जाती है, मिसाल दीजिए। सवाल नंबर 17 है, डिडक्शन और थ्योरी में फ़र्क लिखिए। सवाल नंबर 18 है, डेंगू बुखार से बचाव के इकदाम बयान कीजिए। सवाल नंबर 19 है, डेंगू बुखार फैलने वाले मच्छर का नाम लिखिए। सवाल नंबर 20 है, नतज का खुलासा कैसे किया जाता है। सवाल नंबर 21 है, इंसान में मलेरिया और डेंगू फीवर फैलाने वाले मच्छरों के नाम तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 22 है, मलेरिया के कंट्रोल लिखिए। सवाल नंबर 23 है, डेंगू बुखार में खून क्यों बहता है। और सवाल नंबर 24 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तारीफ कीजिए। उसके बाद है, नस्बत और प्रोपोर्शन में फ़र्क लिखें। सवाल नंबर 26 है, तनासब की तारीफ कीजिए। बस इतने से हैं। इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो अपने नोट्स पर लिख लें, इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, नोट्स पर लिखने हैं तो लिख लें, अपनी बुक पर टिक करना है तो कर लें। सिर्फ ये क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 2 में से, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी नहीं बन सकता। तो आप लोगों को अपने चैप्टर में छानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के अपनी बुक में टिक कर दें, आपकी मर्ज़ी। इन क्वेश्चन को लिख लें, इनके यहाँ से जवाबकात कर लें, आपकी मर्ज़ी। इन क्वेश्चन को लिख कर अपनी बुक में से करना है तो आपकी मर्ज़ी। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको इतने, मतलब आपका जो पूरे चैप्टर का निचोड़ है सारा का सारा आपको मैंने इसी एक ही वीडियो में कवर करवा दिया है।
अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में से आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा। तो ये अब के लिए इतना ही थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए और मज़ीद सब्जेक्ट्स के लिए और मज़ीद इस बायोलॉजी के चैप्टर्स की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विज़िट कीजिए। जो है ना, मैंने इस बाकी चैप्टर्स को भी अपलोड कर दिया है। तो अब आप लोगों का साथ की ज़रूरत है, आप लोग साथ दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।